सुन रहे आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। मैं हूं नेहा और मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक रोमांटिक स्टोरी। शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल के सबसे बेहतरीन डॉक्टर, जो मानव बजाज की फैमिली डॉक्टर भी थी, उनके केबिन में घुसते हुए यशिका बस यही प्रार्थना कर रही थी कि रिपोर्ट्स में सब कुछ नॉर्मल हो और आगे के प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। घबराई हुई यशिका भी डॉक्टर के केबिन में जाकर बैठी ही थी कि डॉक्टर कहती हैं, यशिका मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, क्या तुम मिस्टर मानव के साथ फिजिकल हो सकती हो? कैन यू स्लीप विथ हिम? ये सुनकर यशिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो झटके से मिस्टर मानव की सेक्रेटरी की तरफ मुड़ती है, जो उसके साथ ही अंदर आई थी, जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। लेकिन सेक्रेटरी का चेहरा बिल्कुल शांत होता है। यशिका के चेहरे के भाव देखकर डॉक्टर उन दोनों को समझाती हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ट्यूब प्रोसीजर को सपोर्ट नहीं कर पा रही। ये सुनते ही यशिका को एक और धक्का लगता है और वो सोचती है अब क्या होगा, कि तभी सेक्रेटरी बोल पड़ती है, लेकिन मानव सर तो चाहते हैं कि मिस यशिका ही उनके बच्चे की सरोगेट मदर बने। डॉक्टर एक बार खामोश बैठी यशिका की तरफ देखती हैं और फिर सेक्रेटरी की ओर देखकर उससे कहती हैं, मिस यशिका सिर्फ नेचुरल तरीके से ही प्रेग्नेंट हो सकती हैं, जिसके लिए उन्हें मिस्टर मानव के साथ फिजिकल होना ही पड़ेगा। सेक्रेटरी जैसे इसके लिए पहले से तैयार हो, वो डॉक्टर से बहुत आराम से कहती है, डॉक्टर अगर आप श्योर हैं कि ये तरीका काम करेगा तो ही मैं मानव सर से आगे बात कर पाऊंगी। डॉक्टर हाँ में अपना सर हिलाती हैं। उसके बाद सेक्रेटरी यशिका को साथ में लेकर कैबिन से बाहर चली जाती है। बाहर निकलकर सेक्रेटरी मानव से बात करने के लिए एक तरफ चली जाती है और वहां हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक चेयर पर बैठी यशिका अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि डॉक्टर ने सचमुच ही उसे मिस्टर मानव के साथ हम बिस्तर होने का ऑप्शन दिया था, और वो सोच में पड़ जाती है, हाउ कैन आई, मैंने ना इस आदमी को आज तक देखा है ना ही इसके बारे में कुछ जानती हूँ। जब से उसकी सेक्रेटरी ने मुझे पैसों के बदले मिस्टर मानव के बच्चे की सरोगेट मदर बनने का ऑफर दिया है, तब से वही तो हम दोनों के बीच की कड़ी रही थी, अब अचानक से ये, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, इसके बारे में तो हमारी पहले कोई बात नहीं हुई थी, होंगे मिस्टर मानव बजाज कोई बड़े आदमी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं। यशिका भी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके सामने से एक 8-10 साल की लड़की गुजरती है, जो साथ ही चल रहे अपने पापा से कह रही होती है, नहीं पापा दोनों, चॉकलेट भी और आइसक्रीम भी। उन दोनों के वहां से गुजर जाने के बाद यशिका को वो दिन याद आ जाता है जब वो अपने पापा से पहली बार मिली थी। ऐसे ही हाथ पकड़कर सड़क पर चलते हुए उन्होंने उससे पूछा था कि उसे चॉकलेट ज्यादा पसंद है या आइसक्रीम, और उसने जवाब में क्या कहा था उसे वो तो याद नहीं था, लेकिन घर वो एक हाथ में चॉकलेट लेकर पहुंची थी, वो घर जो उसने पहली बार देखा था। अब यही उसका घर था और यही उसका परिवार और उसके पापा उसकी दुनिया। ये सोचते हुए यशिका की आंखें भर आईं और अपने आंसू पोंछते हुए उसने आसपास कॉरिडोर में नजर दौड़ाई तो उसे सेक्रेटरी कहीं नजर नहीं आई, और वो एक बार फिर खुद से बातें करने लगी, भले ही पापा ने मुझे अडॉप्ट किया था लेकिन उन्होंने कभी मुझ में और उनकी अपनी बेटी किरण में भेदभाव नहीं किया, मेरी वजह से वो माँ से कितना लड़े हैं, हमेशा अपनी बेटी माना है, तो क्या आज मैं एक बेटी का फर्ज नहीं निभा सकती? जब मुझे उनकी जरूरत थी तब वो हमेशा मेरे साथ खड़े थे, अब आज जब उनको मेरी जरूरत है तो मैं कैसे उन्हें अकेला छोड़ दूं? नहीं, मुझे ये करना ही होगा हर हाल में। तभी अपना फोन कान से लगाए सेक्रेटरी वहां आ जाती है। वो फोन में कह रही होती है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मैम, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हाँ वो लड़की भी, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ये सब सुनते हुए भी यशिका ऐसे बैठी रहती है जैसे उसे कुछ सुनाई ना दे रहा हो, और वो
बातों के इन टुकड़ों से ही अपनी आने वाली जिंदगी का अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगती है। सेक्रेटरी अपना फोन रखती है और यशिका से कहती है, मानव सर तुम्हारे साथ एक रात गुजारने को तैयार हैं। तुम्हारा क्या फैसला है, तुम तैयार हो? यशिका काफी देर चुपचाप अपनी गर्दन झुकाए कुर्सी पर बैठी रहती है। सेक्रेटरी उसकी झिझक समझते हुए कहती है, टेक योर टाइम, थोड़ा और सोच लो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मानव सर को पता नहीं ऐसा क्या पसंद आ गया है जो वो कोई दूसरा ऑप्शन देखने को भी तैयार नहीं है, और बस बच्चे को जन्म देने के लिए तुम्हें मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार है। बड़े लोग बड़ी बातें। ये सब सुनती हुई यशिका अचानक कहती है, रवीना। फिर थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बोलती है, मैं तैयार हूँ, मैं मिस्टर मानव के साथ फिजिकल होने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सेक्रेटरी चैन की सांस लेती है और यशिका के पास बैठते हुए कहती है, तुम्हारा डिसीशन बिल्कुल सही है यशिका, ये 9 महीने कैसे गुजर जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सेक्रेटरी यशिका के पास बैठे बैठे ही मिस्टर मानव को उसका डिसीशन बताने के लिए एक बार फिर अपना फोन निकालती है। कॉल करते ही फोन की दूसरी तरफ से एक रौबदार आवाज आती है, यस। ना चाहते हुए भी फोन की दूसरी तरफ आ रही तेज आवाज सुनकर यशिका का ध्यान उन दोनों की बातों की तरफ चला जाता है। सेक्रेटरी कहती है, सर मिस यशिका ने भी हाँ कह दिया है, व्हाट्स नेक्स्ट? फोन की दूसरी तरफ कुछ देर सन्नाटा रहता है और सेक्रेटरी फिर पूछती है, सर आर यू देयर? और उधर से हड़बड़ाहट में आवाज आती है, ओह यस यस दैट्स गुड, तो आज शाम के लिए तुम जरूरी अरेंजमेंट्स देख लेना और कॉन्ट्रैक्ट मत भूलना। फोन कट जाता है और यशिका उस सुनी हुई आवाज के सहारे अपने दिमाग में एक आदमी का चेहरा बनाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो चेहरा बार बार बनकर भी बिखर जा रहा था। यशिका को खोया खोया सा देखकर सेक्रेटरी उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, लेट्स गो यशिका। वो दोनों जाकर एक व्हाइट कलर की आउटी में बैठते हैं और वो एक बार फिर सोच में पड़ जाती है। बस एक बार पापा का बिजनेस फिर से खड़ा हो जाए, उसके बाद मैं उन्हें सब सच सच बता दूंगी। यशिका अभी ये सब सोच ही रही होती है कि ट्रैफिक की आवाजों के बीच सेक्रेटरी की आवाज उसके कान में पड़ती है। वो कह रही होती है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने के बाद तुम अपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड से नहीं मिल पाओगी। यशिका तो उससे पहले किसी से मिलना है तुम्हें, फ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी? खुद में ही खोई हुई यशिका सोचती हिचकिचाती अपना सर ना में हिला देती है। हॉस्पिटल से निकलकर थोड़ी देर चलने के बाद उनकी कार एक बीच साइड विला के सामने पहुंचती है। विला के सामने दूर तक पसरा हुआ समंदर था जिसमें भारी बारिश की वजह से हलचल बढ़ गई थी। सेक्रेटरी कार से उतरकर सीधे विला में चली जाती है। यशिका पोर्च में खड़ी कुछ देर समंदर को देखती रहती है और फिर वो भी अंदर चली जाती है। अंदर घुसते ही वो समझ जाती है कि विला में इस वक्त बस वो और सेक्रेटरी ही हैं। सेक्रेटरी उस वक्त लिविंग रूम में बैठी कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पढ़ रही थी। यशिका को आता देख वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स उसकी तरफ सरकाते हुए कहती है, इसे ध्यान से पढ़ लो और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं अभी अभी आती हूँ। ये कहकर सेक्रेटरी उठकर वहां से चली जाती है। लिविंग रूम में टंगे झूमर की चमक देखकर यशिका की आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसके मन में ख्याल आया, इस झूमर की कीमत तो शायद उसके घर से भी ज्यादा होगी। सच, जिसके पास पैसे होते हैं उनके लिए किसी भी चीज की कीमत ज्यादा नहीं होती, वो चाहे झूमर हो या इंसान। उसका ध्यान टूटता है और वो टेबल पर रखे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को बिना पढ़े ही साइन कर देती है। वो आलीशान लेकिन खाली घर जैसे उसे खाने को दौड़ता है और वो उठकर सेक्रेटरी को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक कमरे का दरवाजा खुला दिखता है और वो सेक्रेटरी को आवाज लगाती है, रवीना। सेक्रेटरी तुम अंदर हो? ये कहते हुए वो अपने सामने आधे खुले दरवाजे को धकेलती हुई धड़ाके से अंदर घुस जाती है। सामने का नजारा देखकर यशिका के होश उड़ जाते हैं और एक अजीब सी सिहरन
उसके बदन को कपा देती है। उसके सामने दीवार पर उसकी बहुत सारी छोटी बड़ी तस्वीरें लगी थी। ये देखकर यशिका खुद से कहती है, ओह माय गॉड, मेरी कॉलेज की फोटोज, फैमिली फोटोज, ये सब क्या है? और ये तो मेरे 15th बर्थडे की फोटो है जो अनाथ आश्रम में ली गई थी। ये कहाँ से आई इस कमरे में? ये तस्वीरें तो मेरे पास भी नहीं है। क्या मतलब है इस तरह मेरी पर्सनल फोटोग्राफ्स को किसी कमरे में सजाने का? और वो इस पहेली को सुलझाने के लिए एक बार फिर से सेक्रेटरी को आवाज लगाती है। सेक्रेटरी, तुम कहाँ हो? घबराई हुई यशिका हर तस्वीर को ध्यान से देख रही होती है कि तभी उसके हाथ से लगकर टेबल पर रखी एक फाइल गिर जाती है। हड़बड़ाहट में वो पेपर्स उठाने के लिए झुकती है कि नीचे गिरे पेपर्स और उनके बीच उसकी अनाथाश्रम की ढेर सारी फोटोज को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जैसे जैसे तस्वीरें देखती जा रही थी उसकी भौहें तनती जा रही थी। ऐसा लग रहा था उसका जोर से धड़कता दिल बाहर आ जाएगा। यशिका का गला भर आता है और वो खुद से बातें करने लगती है। ये तो स्कूल टाइम की फोटो है मेरी। हे भगवान, आखिर कब से चल रहा है ये सब? वो जल्दी जल्दी एक के बाद एक सारे कागज देखने लगती है। उसमें उसे अपने अडॉप्शन पेपर्स की एक कॉपी दिखती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, आखिर है कौन ये आदमी, मुझसे क्या चाहता है और मैं ही क्यों? तभी बहुत सारे पेपर्स के बीच उसे अपने पापा की कंपनी का नाम लिखा एक पेपर दिखता है और वो बाकी सब कुछ छोड़ उसे उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। यशिका घबरा जाती है जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। सामने सेक्रेटरी खड़ी होती है और उसका चेहरा गुस्से से लाल होता है। तुम किससे पूछकर अंदर आई यशिका, और ये फाइल? यशिका का दिमाग खराब हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे वो कहती है, ये सब क्या है रवीना, आखिर कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल स्पेस में घुसने की? और मेरे साथ साथ मेरे पापा, उनके कंपनी से रिलेटेड पेपर्स यहाँ इस फाइल में क्या कर रहे हैं? यशिका की आवाज ऊंची होती देख सेक्रेटरी भी चीखते हुए कहती है, मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं मानव सर की एम्प्लॉई हूँ और मुझसे जो करने को कहा गया था मैंने वो किया है। तुम्हें जो पूछना हो खुद उनसे पूछ लेना। यशिका का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है और उससे रहा नहीं जाता। आखिर है कौन ये मानव बजाज जिसके पास मेरे ऑर्फनेज तक की इन्फॉर्मेशन है? सेक्रेटरी जवाब में कहती है, मैं एक बार फिर कह रही हूँ यशिका, मुझे कुछ भी नहीं पता है, तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। सेक्रेटरी के इस बदले हुए रवैये को देखकर उसका शक और बढ़ जाता है। वो हड़बड़ी में अपने माथे का पसीना पोंछती हुई इधर उधर देखती है। कुछ तो है जो मुझसे छिपाया जा रहा है। मेरे यहाँ होने का कारण सिर्फ वो बच्चा है या कुछ उससे भी बड़ा प्लान है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और ये जानते हुए मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकती। ये कहते हुए यशिका दनदनाती हुई कमरे से बाहर निकल जाती है और सेक्रेटरी कमरे के दरवाजे पर खड़ी चिल्लाती है, भूलो मत यशिका, तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यशिका उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और भारी बारिश में बाहर निकल जाती है। तभी हाथ में पकड़ा उसका फोन बजता है। वो पोर्च में वापस आती हुई अपना फोन उठाती है। फोन के दूसरी तरफ से किसी औरत की तीखी आवाज आती है, कैसी एहसान फरामोश बेटी है तू यशिका, अपने बाप के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम भी तुझसे नहीं हो पा रहा है। इसी दिन के लिए उस अनाथ आश्रम से उठा के लाए थे वो तुझे। ये कहकर वो आवाज चुप हो जाती है और फोन कट जाता है। यशिका एक बार फिर अपना सर पकड़ लेती है। वो उस वक्त फूट फूट कर रोना चाह रही थी लेकिन अपनी मजबूरियों का भान होने पर एक बार फिर अपने कदम मोड़ कर विला में चली जाती है। जो भी हो मुझे ये करना ही होगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो फाइल ऐसी रिसर्च की है जैसे मैं कोई क्रिमिनल हूं, लेकिन क्यों, आखिर प्लान क्या है इनका? अपने दिमाग में चल रहे इन सवालों के बीच वो किसी तरह जाकर पास के सोफे पर बैठती है।
सेक्रेटरी उसे देख चैन की सांस लेती है और सोचती है, अगर आज ये यहां से चली जाती तो मेरी नौकरी तो गई ही थी बस। और आकर उसके पास खड़ी हो कहती है, बस कुछ महीनों की बात है यशिका, दिस इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, पैसे तो तुम्हें मिल ही गए हैं, तो स्टॉप एक्टिंग लाइक एन इमोशनल फूल। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। सेक्रेटरी के लाख कहने पर भी उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, जरूर बात सरोगेट मदर बनने से कुछ ज्यादा है, कुछ नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन क्या? क्योंकि ये नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, मुझे ये पता करना ही होगा आखिर चल क्या रहा है यहाँ। शाम ढल रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था और बारिश भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसी मूसलाधार बारिश में मानव बजाज एक लंबे कद और गठीले बदन का आदमी डार्क ब्लू रंग के थ्री पीस सूट में अपनी काली मर्सिडीज से अपने बीच साइड बंगलों की तरफ बढ़ रहा है। मानव की गहरी काली आंखें और उसका गेहूआ रंग उसे और भी अट्रैक्टिव बनाता है। ऐसी शायद ही कोई लड़की हो जो मानव की इस पर्सनालिटी से इंप्रेस होकर उसे एक बार पलट करना देखे। आखिर वो बंगलो पहुंचता है, कार गेट के अंदर घुसती है। मिस्टर मानव की कार को आता देख बंगलों के दरवाजे पर टिक कर खड़ी भीगी भीगी सी यशिका अंदर चली जाती है। मानव को यशिका की एक झलक भर दिखती है और एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर घर कर जाती है। कार के रुकने के काफी देर बाद भी मानव अपनी कार में ही बैठा कुछ सोचता रहता है। यशिका अंदर पहुंचती है और सेक्रेटरी उसके हाथ में एक काली पट्टी लिए खड़ी दिखती है। दिन भर में कई सवालों का सामना करने के बाद अब इस काली पट्टी का मतलब वो नहीं समझ पाती। तभी सेक्रेटरी कहती है, जब तक तुम ये पट्टी अपनी आंखों पर नहीं बांध लेती तुम मानव सर से नहीं मिल सकती, तुमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा। यशिका को कुछ याद नहीं आता और वो अपनी आंखों पर पट्टी बंधवा लेती है, जिसके बाद रवीना उसका हाथ पकड़े कमरे में ले जाती है और वहां बेड पर बिठा देती है। सेक्रेटरी के वहां से जाने के बाद वो बुदबुदाती है, कितना अजीब है ये आदमी, जिसे किसी औरत से रिश्ते बनाने के लिए हामी भरने में तो कोई शर्म नहीं आई, लेकिन उस औरत का सामना करने में आ रही है। वाह बहुत खूब। यशिका बिस्तर की दूसरी तरफ दीवार की ओर अपना मुंह किए किसी सोच में खोई होती है कि तभी दरवाजे से उसे किसी की आहट आती है और वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े और बाल सही करने लगती है। बारिश में भीगने के कारण यशिका की सफेद कुर्ती उसके बदन पर चिपक गई थी और गीले बालों से पानी टपक रहा था जो कंधे से होते हुए न जाने कहां तक पहुंच रहा था। पीछे से देखने पर यशिका बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसका फिगर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। मानव कुछ देर दरवाजे पर ही खड़ा यशिका को देखता रहता है, फिर अपना ब्लेजर उतार कर दरवाजे के पास की टेबल पर रखता है और वो भी फटाफट अपने आंख पर एक काली पट्टी बांध कर अंदर कमरे में चला जाता है। आसपास की चीजों को महसूस करता हुआ मानव बिस्तर तक पहुंचता है और उसके वहां बैठते ही यशिका पूछ लेती है, क्या आप ही मिस्टर मानव हैं? मैं कुछ पूछ। यशिका आगे कुछ कहती उससे पहले ही मानव उसे टोकते हुए कहता है, हम सवाल जवाब बाद में करें। उस आवाज से ही यशिका उस आदमी का रुबाब समझ जाती है और आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाती। थोड़ी देर हिचकिचाहट में चुपचाप बैठने के बाद मानव धीरे धीरे अपने हाथ को यशिका के हाथ के करीब ले जाता है और उसे महसूस करने की कोशिश करता है। यशिका पहले थोड़ा घबराती है लेकिन फिर किसी तरह खुद को हिम्मत बंधाती धीरे धीरे मानव की तरफ मुड़ती है और अपने दूसरे हाथ से मानव के बाजू और कंधे को महसूस करने की कोशिश करने लगती है। मानव अपना दूसरा हाथ यशिका के गालों पर फिराता है और भीगी हुई यशिका सिहर जाती है। जिस अंदाज से मानव उसे छूता है उसे ये महसूस ही नहीं होता कि वो कोई अजनबी है और वो आज उससे पहली बार मिली है। उसकी गर्माहट में उसे अजीब सा सुकून मिलता है लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती और वहीं ठिठक जाती है
मानव अपना हाथ बढ़ाते हुए यशिका के भीगे बालों को धीरे से उसके कंधे से हटाता है और उसकी गर्दन पर किस करता है। ऐसे में ठंड से कांपती यशिका के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मानव की गर्म सांसें उसके ठंडे शरीर को तपा देती हैं और वो सोचती है, कौन है ये अजनबी जिसकी छुअन इतनी जानी पहचानी है। और तभी मानव यशिका के चेहरे को पास लाते हुए उसे धीरे धीरे चूमते हुए उस नरम बिस्तर पर लिटा देता है और यशिका के हाथ अपने हाथ में लॉक करते हुए उसे दूसरे तकिए पर रख देता है। मानव यशिका के कुर्ते को धीरे धीरे कंधे से सरकाते हुए उसके कंधे को चूमने लगता है। यशिका अपने एक हाथ से मानव के शर्ट के बटन को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बुरी तरह नाकाम हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो आगे क्या करे। उस वक्त उसे लगता है कि वो किसी की परवाह ना करते हुए एक बार अपने आंख से पट्टी हटा कर देख ले कि ये आदमी कौन है जो उसे बार बार किसी की याद दिला रहा है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का ख्याल आते ही वो खुद को रोक लेती है। इस मोमेंट में यशिका खुद को बहुत कंफ्यूज्ड और अलर्ट पाती है। ये कोई अजनबी नहीं है, बल्कि मैं इस टच को पहचानती हूँ। ये हाथ, इस हाथ का इतनी सहजता से मेरे हाथ में आ जाना, ये क्या हो रहा है? कौन है ये आदमी? अंदर ही अंदर झुंझलाती हुई यशिका का हाथ मानव अपने हाथ में कसने लगता है और वो दर्द से कराहती हुई अचानक उठकर बैठ जाती है और अपना हाथ मानव के हाथ से छुड़ाते हुए घबराहट में उसके चेहरे को महसूस करने की कोशिश करती है और सोचती है, ये तो नहीं, नहीं, मैं इसे पहचानती हूं। कि तभी मानव आश्चर्य से यशिका का एक हाथ अपने हाथ में ले लेता है और वो हैरान होते हुए दूर खिसक कर एक झटके से अपने आंखों पर बंधी पट्टी हटा देती है और सामने बैठे आदमी को देखकर चिल्लाती है, तुम मानव नहीं हो सकते क्योंकि तुम तो। क्या वजह थी जो मानव ने यशिका को ही उसके बच्चे की सरोगेट मदर बनने के लिए चुना था? आखिर कौन है ये आदमी जिसे देखकर यशिका के होश उड़ गए हैं? मानव क्यों नहीं चाहता था कि यशिका उसका चेहरा देखे? और क्या होगा आगे उस कमरे में, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला अंश सिर्फ पॉकेट एफएम पर।